आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड है वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी से। वेल्डिंग के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं वही हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये होती है बेल्ट पुल, बेल्ट बीट, रेनफोर्समेंट, पेनिट्रेशन, रूट गैप। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक बट जॉइंट बना रहे हैं। समझ लीजिए, मैंने दो मेटल ली, इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, ये मैंने मेटल ली, इनको आपस में जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये करूंगा कि इसके बीच में बेल्डिंग करूंगा। ये बेल्डिंग की मैंने, ठीक है, तो बेल्ट बीट होता क्या है? बेल्ट बीट सबसे पहले बात करते हैं बेल्ट पुल। ये वो मेटल होती है जो कि दोनों मेटल के बीच में रहती है और ये लिक्विड स्टेट में रहती है। यानी कि दो मेटल को हम जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में हम कुछ फिलर मटेरियल यूज करेंगे। यदि वो लिक्विड फॉर्म में है और इन दोनों के बीच में जितनी भी मेटल रहेगी लिक्विड फॉर्म में रहेगी वो कहलाएगी बेल्ट पुल। पुल का मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल, यानी कि बटर का पुल। इसी तरह ये बेल्ट पुल है, इसमें जितनी भी मेटल सॉलिडिफिकेशन होने के पहले फिलर मटेरियल लिक्विड फॉर्म में रहेगी उसको बोला जाता है बेल्ट पूल। ठीक है, अब समझ लीजिए ये पहली मेटल और ये दूसरी मेटल, ये इन दोनों को आपस में जोड़ना है। समझ लीजिए ये हमने मेटल ऐड की। ठीक है, अब बेल्ट बीट की बात करते हैं। बेल्ट बीट क्या होता है? बेल्ट बीट होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक पास में इन दोनों मेटल के बीच में जितनी मटेरियल और सॉरी जितनी मेटल आती है उसको बोला जाता है बेल्ट बीट। हम वेल्डिंग कर रहे हैं, हम यदि एक पास में वेल्डिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती यानी कि जितना रिक्वायर्ड थिकनेस की वेल्डिंग चाहिए रहती उतनी नहीं आती तो हम दो तीन पास में करते हैं। लेकिन बेल्ट बीट होता है एक पास में दो मेटल को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में जितनी मेटल आ जाए उसको बोला जाता है बेल्ट बीट। बेल्ट पुल क्या होता है? लिक्विड स्टेट में जितनी मेटल रहती है दोनों मेटल के बीच में उसको बोला जाता है बेल्ट पुल। और बेल्ट बीट बोला जाता है एक पास में जितनी लिक्विड मेटल उन दोनों मेटल को जिनको कि आपको ज्वाइन करना है दोनों के बीच में आ जाए उसको बोला जाता है बेल्ट बीट। अब तीसरा टर्म है रेनफोर्समेंट। समझ लीजिए, ये मैंने एक जॉइंट प्रोड्यूस किया, पहले मैं जॉइंट बना लेता हूँ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज का। समझ लीजिए ये एक मैंने जॉइंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये इसमें जॉइंट प्रोड्यूस करने के बाद जितनी मेटल जो बेस मेटल है उससे ऊपर रहती है, यानी कि जॉइंट प्रोड्यूस करने के बाद जितनी मेटल बेस मेटल से ऊपर रहती है जो हम फिलर मटेरियल ऐड कर रहे हैं ये कहलाती है रेनफोर्समेंट। बेल्डिंग करने के बाद जब सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है यानी कि सॉलिड हो जाती है आपकी बेल्डिंग परफेक्ट हो जाती है उसके बाद बेस मेटल जिन मेटल को हम जॉइंट करते हैं उनको बोला जाता है बेस मेटल। ठीक है, इन मेटल के ऊपर जितनी मेटल रहेगी वो कहलाती है रेनफोर्समेंट। और पेनिट्रेशन क्या होता है? अगला टर्म है पेनिट्रेशन। यहां पे पेनिट्रेशन का मतलब है कि बेस मेटल में जो फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कितनी अंदर तक जा रही है यही कहलाता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करना यानी कि कितने अंदर तक जो हमारा रूट गैप है उसमें कितनी अंदर तक वो फिलर मटेरियल जा पा रही है तो ये कहलाता है पेनिट्रेशन। और अगला टर्म है रूट गैप। रूट गैप क्या होता है समझ लीजिए, मैं वी जॉइंट बनाता हूं, ये मैंने वी जॉइंट बनाया, ये डिस्टेंस होती है दो मेटल जिनको कि आप जोड़ना चाहते हैं उनके बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रूट गैप कहलाती है। और कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिन मेटल को हम जोड़ना चाहते हैं उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है वो कहलाती है रूट गैप। तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी वेल्डिंग से। समझ लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक हम
L प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दो मेटल को जोड़ के L प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। ये कहलाता है, ये फिलेट बेल्ट कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने दो मेटल को ज्वाइन किया और एक मैंने क्या बना लिया, एल। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बेल्डिंग करनी पड़ेगी हमको यहाँ पे, समझ लीजिए हमने ये बेल्डिंग कर ली। अब इसमें भी तीन टर्म आते हैं, ठीक है। एक फिलेट बेल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम, उसी को हमने एक जगह पे जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तीन टर्म आते हैं, पहला होता है टू, दूसरा होता है रूट, और इसमें जो तीसरा टर्म होता है वो होता है थ्रोट, ठीक है। तो ये जो तीन टर्म है थ्रोट, टू क्या होता है बेल्डिंग फेस, और जिस मेटल को हम बेल्ड करना चाहते हैं दोनों का जंक्शन कहलाता है टू, ठीक है। ये इस मेटल को हमने जॉइन किया, यानी कि जो हम बेल्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस मेटल होती है उनका जंक्शन कहलाता है टू, इनका जंक्शन कहलाता है टू। सेकेंड टर्म है थ्रोट, ये जो जॉइन बेल्ट है उसको हम 45 डिग्री का लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट, रूट क्या कहलाता है, जो दोनों के जंक्शन होता है दो मेटल को जिनको कि हमने जॉइन किया, ठीक है, दोनों का जंक्शन होता है वहां पे बोला जाता है रूट। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम कितनी दूरी तक पेनिट्रेट कर गई है, जो मेटल हम फिल कर रहे हैं वो कितनी दूरी तक पेनिट्रेट कर गई है। तो ये इतनी दूरी तक, यहां से यहां तक पेनिट्रेट कर गई है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा, ये पॉइंट ये कहलाएगा रूट, ठीक है। अब रूट की थ्रोट फेस, यानी कि या फिर ये भी बोल सकते हैं बेल्ट फेस, ये कहलाएगा बेल्ट फेस, बेल्ट फेस। इन दोनों के बीच की दूरी रूट और बेल्ट फेस, ये हो जाएगा बेल्ट फेस और ये हो जाएगा रूट। इन दोनों की बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही कहलाती है थ्रोट, ठीक है। तो बेल्डिंग में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पांच, बेल्ट पुल, बेल्ट बीट, रेइनफोर्समेंट, पेनिट्रेशन एंड रूट गैप। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो या रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो रिपीट करते हैं, बेल्डिंग टर्मिनोलॉजी बेल्ट पुल, दो मेटल को जिनको कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं उन दोनों के बीच में जो मेटल या फिलर मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में जितनी होती है उसको बोला जाता है बेल्ट पूल। सेकंड होता है बेल्ट बीट, एक सिंगल पास, यानी कि एक बार आप बेल्डिंग करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप है तो एक बार में जितना बेल्ट उसमें डिपॉजिट होता है वो कहलाता है बेल्ट पूल। यदि एक बार में फिल नहीं होता तो दो तीन बार करेंगे, लेकिन एक बार में जितना फिल होता है वो कहलाता है बेल्ट बीट। अगला है रेइनफोर्समेंट, बेस मेटल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस मेटल को ज्वाइन करने के बाद जितना मेटल उनके ऊपर उठता है, यानी कि इतनी ऊपर रहता है, तो ये कहलाता है रेइनफोर्समेंट। अगला टर्म है पेनिट्रेशन, जो हम फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बेस मेटल में कितनी अंदर तक जाता है, यानी कि कितनी अंदर तक उसको जॉइंट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, पेनिट्रेट कर पा रहा है, वो कहलाता है पेनिट्रेशन। अगला होता है रूट गैप, रूट गैप क्या होता है, दो मेटल जिनको कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रूट गैप। अब एक और एग्जांपल लिया, समझ लीजिए हम एक एल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एल हम बनाते हैं फिलेट बेल्ट से, फिलेट बेल्ट का जो वीक होता है शेयरिंग में, इसलिए हम इसकी डिजाइन भी शेयरिंग से करते हैं, ठीक है। टू क्या होता है, जो बेल्ट बेल्ट फेस होता है और जो बेस मेटल, इन दोनों का जंक्शन कहलाता है टू। अगला है रूट, बेल्ट फेस से जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो जाता है मेटल का वो कहलाता है रूट। बेल्ट फेस और रूट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कहलाती है थ्रोट। तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी किससे, बेल्डिंग से। एक और टर्म आता है इसमें, परसेंटेज डाइल्यूटेशन, ये क्या होता है,
एरिया ऑफ पेनिट्रेशन बाय एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, परसेंटेज डाइल्यूशन होता है, परसेंटेज डाइल्यूशन ये होता है, ये बेल्डिंग से रिलेटेड टर्म है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ पेनिट्रेशन बाय एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी बेल्डिंग से। यदि कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।